ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। CM नीतीश कुमार के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से पूरे पटना में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद से CM ऑफिस के पास जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया गया है, हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। वहां पर बता दें कि धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस धमकी देने में खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा का नाम जो है वो सामने आया है। 16 जुलाई को ईमेल आया था जिसके जरिए ये धमकी दी गई थी। इसको लेकर के पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। वो FIR की कॉपी आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक अलकायदा नाम के ग्रुप से CMO ऑफिस को ईमेल आया जिसमें धमकी भरा ईमेल था। इस ईमेल के मिलने के बाद ATS ने मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही FIR भी इस पर दर्ज कर ली गई है। उस FIR की जो कॉपी है आपको हम दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि 16 जुलाई को धमकी भरा ये ईमेल आया था जिसमें CMO को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में सचिवालय थाने में 2 अगस्त को सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस की माने तो CMO की सरकारी मेल आईडी पर 16 जुलाई को ही मेल आया था, CMO को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसमें साफ साफ धमकी दी गई थी कि बिहार की स्पेशल पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इस हलके में लेने की कोशिश ना करें। मेल जो है वो अलकायदा नाम के ग्रुप से सामने आया था, जिसके बाद से अब प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर आ गया है। पूरी तरीके से CMO ऑफिस के आसपास सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। इस खबर के सामने आने के बाद फिलहाल CMO ऑफिस के साथ साथ पटना भी हाई अलर्ट पर है। ATS की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है। ये खबर हम तक पहुँचाई थी पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।